दोस्तों आज एक ही फिल्म रिलीज हुई है, वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई दोबारा। थिएटर में मैं था और एक और पठान था। फिल्म खत्म होने के बाद मैंने पठान से पूछा कि भाई फिल्म कैसी लगी, तो पठान ने कहा कि सर मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे उनकी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, बट ये फिल्म देख करके मुझे ऐसा लगा कि अक्षय कुमार डॉन कम डॉन के ड्राइवर ज्यादा लग रहे थे। उसके बाद एक बात और उन्होंने बहुत अच्छी कही कि सर फिल्म में इतनी भागदौड़ हुई, इतनी कूदाफांदी हुई, इतनी मारधाड़ हुई, फिर भी अक्षय कुमार का चश्मा नहीं गिरा सर। फिल्म की कहानी रजत अरोरा साहब ने लिखी है और मुझे लगता है उन्होंने कहानी लिखने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जितनी भी फिल्में हैं सबकी इस कहानी में नकल जरूर करनी है और कोई भी एक भी ऐसा सीन नहीं लिखना जो हकीकत में तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी हकीकत बन सके। तो उन्होंने डर की भी कॉपी की, उन्होंने फिल्म आवारगी की भी कॉपी की, उन्होंने फिल्म कंपनी की भी कॉपी की। बात यह है कि बहुत सारी फिल्मों की कहानी की कॉपी इसने की, बट अफसोस ये है कि उसके बावजूद भी कहानी बन नहीं सकी, ना ही लव स्टोरी बन सकी, ना ही थ्रिलर बन सकी, ना ही अंडरवर्ल्ड फिल्म बन सकी। हाँ, ना चाहते हुए भी कॉमेडी जरूर बन गई। कहानी में ऐसा क्या है जिसको देख करके या सुन करके एक्टर्स ने फिल्म की है? ऐसा कुछ है नहीं। कहानी इतनी कमजोर है कि फिल्म के स्टार्ट में ही यह बताया जाता है कि पूरी मुंबई पुलिस शोएब के पीछे पड़ी है जो कई सालों के बाद मुंबई वापस आया है, बट उसके बावजूद उसके बाद शोएब आराम से सब जगह घूमता रहता है, शूटिंग पे जाता है, सेट तोड़ता रहता है, सड़कों पे घूमता रहता है, बट पुलिस का कोई अता पता नहीं है। और एक सीन में सोनाक्षी जी खुद फिल्म में पूछती है कि क्या मुंबई में पुलिस है ही नहीं। सोनाक्षी जी प्ले कर रही है एक स्ट्रगलर का रोल जो हीरोइन बनने आई है। कमाल ये है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर को तो छोड़ ही नहीं, जो मुंबई का ओनर कहिए शोएब है उसके साथ भी वो टाइम बिताने के लिए तैयार नहीं है। ये गजब कहानी है। एक जगह ऐसी आती है जहां पुलिस है, गोलियां चल रही हैं और इमरान खान जो वांटेड है उसको कोई नहीं पूछता कि भाई तुम भाई क्यों था, डॉन क्यों था, क्या था, कुछ नहीं। मतलब ये कहानी हकीकत से बहुत 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 दूर की कहानी है। ये कहानी उस वक्त की है जब 80s में फिल्में बनती थी कि दिमाग अपना आप घर पे छोड़ के जाए और जो फिल्म में होता है उसको एक्सेप्ट करें और फिल्म को देखें। बट अब ऐसी ऑडियंस रही नहीं जो उस तरह की फिल्में देखती है। तो कहानी बहुत ही कमज़ोर है। रजत अरोरा ने डायलॉग्स कुछ अच्छे लिखे हैं बट प्रॉब्लम यह है कि वो डायलॉग्स इतने ज़्यादा हो गए कि अक्षय कुमार डॉन कम शायद ज़्यादा लगता है। डायरेक्टर मिलन लुथरिया साहब जिन्होंने कच्चे धागे, वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई जैसी बहुत अच्छी फिल्में दी, डर्टी पिक्चर, वो इस फिल्म में आई थिंक उनका वर्स्ट काम है।
उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं चला है कि उन्होंने फिल्म क्या बनाई है, क्या वो बनाना चाहते थे। और उसका एक कारण ये भी रहा कि फिल्म में जितने विलन हैं उनको देखकर डर कम लगता है, हंसी ज्यादा आती है। बात करते हैं एक्टिंग की। सोनाक्षी जी बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। इमरान बिल्कुल राउडी लगा है, जहां जहां आता है फिल्म देखने को मन करता है। उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है और उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बाकी सोनाली बेंद्रे हैं, वो फिल्म में क्यों हैं, उनका क्या रोल था, किस लिए वो रखी गई हैं, पता नहीं है। महेश मांजरेकर और बाकी बहुत सारे डॉन हैं, उनको देखकर डर कम लगता है, हंसी ज्यादा आती है। तो हमारे जो मेन हीरो हैं अक्षय कुमार साहब, जिनकी वजह से फिल्म का पूरा दारोमदार है, उनकी एक्टिंग बहुत ही एवरेज है। वो बिल्कुल भी अपने रोल में 1% भी फिट नहीं है। और इसका एक रीजन शायद ये भी रहा होगा कि उन्होंने अजय देवगन को रिप्लेस किया है। ये सबको मानना पड़ेगा कि अजय देवगन अकेला एक्टर है इंडस्ट्री में जो रियल डॉन लगता है, जिसकी आंखें देखकर ही इंसान को डर लगता है। अजय देवगन को अगले 50 साल में इंडस्ट्री में कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। शाहरुख खान को रिप्लेस कर सकता है, आमिर खान को रिप्लेस कर सकता है, सलमान खान को रिप्लेस कर सकता है, बट अजय देवगन का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अक्षय ने अजय को रिप्लेस किया है और हमें शायद वही देखने की आदत थी जो पहले पार्ट में अजय देवगन ने किया था, तो वो यहाँ टोटली बिल्कुल 100% फेल है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही एवरेज है। और फिल्म को अगर मैं एक्शन थ्रिलर ना कहके कॉमेडी कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी रेटिंग है 2, मेरी बिजनेस रेटिंग भी 2 ही है। मेरे ख्याल में फिल्म 50 करोड़ से 75 करोड़ के अंदर मैक्सिमम बिजनेस करेगी, और इसका मतलब यह है कि यह फिल्म वॉश आउट है। इसके बावजूद भी अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप जाइए एंड एंजॉय द फिल्म।